बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 9 इन चैप्टर ऑफ मैट्रिसेस, और इसमें भी फर्दर सब टॉपिक इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के हवाले से कोई 3 लेक्चर पिछले आ चुके हैं। इनवर्टिबल मैट्रिक्स डिफाइन की गई और एक्सरसाइज में इनवर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस डील किए गए। अब अगर हमें मैट्रिक्स बता दी जाए उसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है, एक तरीका हम मैट्रिक लेवल और इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं, एक तरीका अब यहाँ पर पढ़ा जाएगा। जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट क्लास में मेथड पढ़ा हुआ है, कुछ बच्चे उसमें भी डिफ़िकल्टी फील करते हैं, तो वो दोनों तरीके टर्न बाय टर्न डिस्कस हो रहे हैं। इस लेक्चर में जो एडजॉइंट का तरीका है वो डिस्कस हो रहा है, इससे अगले लेक्चर में नया तरीका रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस वाला डिस्कस किया जाएगा। रीज़न उसकी भी बताई जाएगी कि कौन सा मेथड बेनिफिशियल होगा, कौन सा मेथड हमें डिस्टर्ब करेगा, ये चीज़ें अगले लेक्चर में डिस्कस हो जाएंगी। फिलहाल ये एडजॉइंट के तरीके से इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है। सो फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, एक 2x2 की लिखी और एक ये 3x3 की लिखी। इस एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन लिया, हाँ जी 2x2 में या एडजॉइंट यूज करते हुए फार्मूला ये है ए इनवर्स 1/a डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए, इससे पिछले लेक्चर में हमने ये बात की थी कि अगर ए डिटरमिनेंट 0 है उस मैट्रिक्स को सिंगुलर कहते हैं और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन नहीं बताई गई थी, सो नोट द रीजन। जिस वक्त ए डिटरमिनेंट 0 होगा तो आउटपुट क्या बनेगी, 1/0 मल्टीप्लाई बाई ये एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1/0 ही अनडिफाइंड हो जाएगा, यही चीज इंफिनिटी बन जाएगी। तो फिर रिजल्ट कौन सा लेना है, इनवर्स अंडरस्टूड है, अनडिफाइंड हो गया है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये रीजन आपको मिल चुकी कि हम जब ए डिटरमिनेंट 0 हो यानी कि मैट्रिक्स सिंगुलर हो उस वक्त इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये रीजन नोट हो गई। और जब ए डिटरमिनेंट 0 ना हो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, उसका इनवर्स मूव करेगा। हाँ जी, इसके हवाले से ए डिटरमिनेंट आपका 13, इट मींस इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब फिर हम अगले स्टेप पर जाएंगे अबाउट एडजॉइंट। तो एडजॉइंट 2x2 का और 3x3 का जाहिर है मेथडोलॉजी तो सेम है, लेकिन जो बच्चे की जरूरत होती है वो कंपैरेटिवली ये समझ रहा होता है कि उसको आसान दे दिया जाए, उसकी मिस्टेक्स कंट्रोल की जाए। सो वो चीज़ें साथ साथ डिस्कस हो रही हैं, मेथडोलॉजी अपनी जगह पर वो भी डिस्कस होगी, दोनों चीज़ें डिस्कस होंगी। ये देखिए एडजॉइंट 2x2 का जो मेन डायगनल है इनकी आपस में प्लेसमेंट चेंज हो जाती है, 4x2 की जगह 2x4 की जगह पर ये चेंज हो चुके, और जो सेकेंडरी डायगनल है ये वाला उनके सिंबल्स चेंज हो जाते हैं, प्लस और माइनस, ये माइनस हो गया और ये माइनस वाला प्लस हो गया। तो सिंपल वे है एडजॉइंट बनाने का 2x2 में। मेथडोलॉजी अभी ये कोफैक्टर के थ्रू डिस्कस की जाएगी, तो मेथडोलॉजी छोड़ के पहले मैं वो वे यूज कर रहा हूं जिसमें डायरेक्ट बच्चे की अंडरस्टैंडिंग आसान हो, उसको क्वेश्चन डील करते हुए टेंशन ना बने और मिस्टेक्स कम से कम हो, मिनिमाइज काम हो मिस्टेक्स का। ये हो चुका एडजॉइंट, और अब ये फार्मूला लिखा लिखाया 1/13 एक डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ये कीमत, और इस 13 को अंदर शिफ्ट भी किया जा सकता है, आप यहां तक स्टॉप कर दें फिर भी ठीक है, यहां तक लिख दें तो देन इट्स ओके, दोनों सेंसेस में आंसर कहीं भी ड्रॉप कर सकते हैं इनवर्स के हवाले से। हाँ जी, उसके बाद आप नोट करें नंबर सेकंड पार्ट, उसी तरह से ये एडजॉइंट का फार्मूला यूज करना है, ए डिटरमिनेंट यहाँ पर भी हमारी जरूरत है, सो वो ए डिटरमिनेंट सॉल्व किया रूटीन में डिटरमिनेंट वाले मेथडोलॉजी देखते हुए कि ये कैसे एक्सपेंड किया जाता है, तो डिटरमिनेंट वाले लेक्चर्स आप चेक कर सकते हैं। ये डिटरमिनेंट सॉल्व करते हुए हमें आंसर मिला ए डिटरमिनेंट इक्वल टू -1, ये 0 नहीं है, इट मींस मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नॉन सिंगुलर है
ए इनवर्स एग्जिस्ट, जब एग्जिस्ट करेगा तो फिर हमें एडजॉइंट भी चाहिए। तो एडजॉइंट देखिए, अब ये इजी वे डिस्कस हो रहा है कि इसमें मिस्टेक्स नहीं होंगी, हर बच्चा बेशक जितने भी लो लेवल का है इजीली हैंडल करेगा इन सेटिंग्स को। हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट बनाना चाहते हैं, ये इस लेवल के मुताबिक एक बड़ी मैट्रिक्स लिख लें जिसमें ये 9 डिटरमिनेंट लिखे जा सकें उन 9 एलिमेंट्स के अगेंस्ट। डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए हमने वर्ड लिख लिया, इस बड़ी मैट्रिक्स के ऊपर ये ट्रांसपोज लिखना ना भूले, ट्रांसपोज टी। उसके बाद आप ये 9 सब डिटरमिनेंट बना लें छोटे छोटे, उनके बाहर सिंबल्स भी पहले ही अटैच कर लें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट सिंबल यूज करते हुए प्लस से शुरू करें और तरतीब से तमाम के साथ सिंबल अटैच करके। उसके बाद इन 9 सब डिटरमिनेंट की फिलिंग का मरहला है, फिलिंग कैसे करनी है तो वो तरतीब से ये देखिए, इस 1 के अगेंस्ट आपका ये है, 1 वाला कॉलम छोड़ दें, 1 वाली रो भी छोड़ दें, जो रिमेनिंग बचा 1 0 -2 5, ये देखें वो आपका यहां आ गया। उसके बाद आप इस 2 को नोट कर लें, इस 2 के अगेंस्ट क्या किया जाएगा, 2 वाला कॉलम छोड़ दें, 2 वाली रो छोड़ दें, जो रिमेनिंग बचा 2 0 4 5 वो यहां आ गया। इस -3 के अगेंस्ट नोट कर लें, -3 वाला कॉलम छोड़ दें, -3 वाली रो छोड़ दें, रिमेनिंग आपको ये नजर आ रहे हैं 2 1 4 और -2, वो यहां आ चुका। इस तरह से अब आप इस 2 के अगेंस्ट ये फिलिंग होगी, इस 2 वाली रो छोड़ दें, 2 वाला कॉलम छोड़ दें, रिमेनिंग फिलिंग। इसी तरह आपको इस 1 के अगेंस्ट ये मिलेगा, 1 वाला कॉलम छोड़ दें, 1 वाली रो भी छोड़ दें, जो बाकी बचा वो यहां फिल हो गया। इस 0 के अगेंस्ट आपको ये मिला, रो और कॉलम डिलीट करते ही देखें, 0 वाला रो 0 वाला कॉलम छोड़ के जो बाकी बचा। उसके बाद इस 4 के अगेंस्ट आपको ये मिला, इस 2 के अगेंस्ट आपको ये मिला और इस 5 के अगेंस्ट आपको ये मिला। रेलेवेंटली जहां जहां जो चीज मौजूद है आपने उनके अगेंस्ट उन सब डिटरमिनेंट की फिलिंग कर दी। नेक्स्ट इन सिंबल्स का ध्यान रखना है, प्लस माइनस उसी तरतीब से लगे हुए हैं। फिर इन छोटे 2x2 के डिटरमिनेंट का जो सॉल्यूशन होता है, मेन डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, मेन डायगोनल 5 2s are 10 माइनस सेकेंडरी डायगोनल, ये तरतीब से बहुत बेसिकली बच्चे को बताया जा चुका, इनकी सिंप्लीफिकेशन हो चुकी, ये 5 और 12। हाँ जी, ऊपर ट्रांसपोज एज इट इज, फर्दर इनके आंसर सिंप्लीफाई करके लिखे ट्रांसपोज एज इट इज। अब आखिर पे जाके इस टी को सॉल्व करें, ये टी अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं लिखते हुए। इस टी को अब सॉल्व करने का तरीका, ट्रांसपोज मींस आपने इस रो को कॉलम में, इस रो को कॉलम में, रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया, ये आपका बन गया एडजॉइंट। फाइनली ये ए इनवर्स का आपका फार्मूला जो शुरू में लिखा, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/a mod डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, 1/-1, ये -1 इसकी कीमत थी, आगे ये हो गया एडजॉइंट की कीमत, और इस एडजॉइंट की कीमत के बाद ये -1 अंदर शिफ्ट कर दिया, ये आपका रिक्वायर्ड इनवर्स आ चुका ए इनवर्स। ये आपके वो वे डिस्कस किए हैं मैंने जो वेरी सिंपल, जिसमें बच्चे की मिस्टेक 100% मिनिमाइज हो जाएगी और काम करते हुए कोई डिस्टरबेंस नहीं है, बिल्कुल लोअर लेवल पे जाके इजीली मैनेजेबल है सब कुछ। हाँ जी, अब जो मेथडोलॉजी डिस्कस हो रही होती है बुक्स में वो कुछ ये है, ये माइनर और को फैक्टर MCQ भी पूछे जाते हैं इस हवाले से, कम अज कम वर्किंग भी पता होना चाहिए बच्चे को, यानी कि ये जो फिलिंग हो रही है अंदर वाली, ये इस फर्स्ट का नाम है A11, A12, A13, उसी तरतीब से ये हो गया A21, A22, K23, ये कैपिटल सिंबल्स के साथ लिखे गए, इनको बोलते हैं कोफैक्टर्स, और इनके नाम आप यूं C11,
C1 to C4 cofactor इस तरह भी यूज कर सकते हैं। ये वैसे एक कैपिटल यूज करने का मकसद है, मैट्रिक्स का नाम ए है, और अगर बी मैट्रिक्स होगी तो ये B11, B12, B13, सी मैट्रिक्स होगी तो C11, C12, ये मैट्रिक्स के नाम से रिलेट करता है। अदरवाइज अगर सबके लिए सी लिखना है तो सी स्टैंड करेगा फॉर कोफैक्टर। तो इस तरह से ये मेथडोलॉजी या नामनक्लेचर मसला नहीं बनना चाहिए। हाँ जी, अब इसको लिखने का क्या तरीका है, ये -1 की पावर, यही 1 और 1, ये 1 और 2 -1 की पावर, ये 1/3 -1 की पावर, ये -1 की पावर आपको ये वाले सिंबल क्रिएट करके देगी, -++। और इन जनरल हम इसको बोलते हैं -1 की पावर i+j, और अगर हम इसको लिखते हैं aij, ऐसे कोफैक्टर के साथ, ये मेन फार्मूला का नाम है। और जब ये ऐसा वर्किंग करते हैं तो बच्चा थोड़ा सा टेंशन में आता है कि ये क्या किया जा रहा है, उसका इलाज पहले बताया जा चुका। लेकिन जब MCQ आते हैं कि A13 बता दें, A23 को फैक्टर बता दें, तो फिर हमें मसला आता है, इसलिए वो को फैक्टर निकालने का रास्ता -1 की पावर 1+1 जो आगे है वो वही फिलिंग है, इस 1 वाला कॉलम, इसकी रो छोड़ के जो बाकी बचता है, यही जो सब डिटरमिनेंट है वो प्रोसेस एज इट इज यही वाला है। तो ये बनते बनते ये आपके पास आ गए, जिन पर गुड लगाया जा रहा है ये को फैक्टर्स हैं। कोई बच्चा पहले इस तरह से काम करता करता ये सारे को फैक्टर बना ले और फिर डायरेक्ट इस स्टेप पे आ जाएगा, ये इस वाले स्टेप पर को फैक्टर वाले स्टेप लिखते हुए, यानी कि ये वो 5 -10 ये को फैक्टर्स है जो यहां लिखे गए, इधर वो डायरेक्ट लिख दिए, अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। इधर अलग अलग कैलकुलेट करके यहां ले आए, ट्रांसपोज हल किया तो वही कुछ है, डिटरमिनेंट इसी तरतीब से चलेगा, बाहर हल को फैक्टर्स का रास्ता जिसको आसान लगे वो उस तरह काम कर ले, लेकिन को फैक्टर का पता जरूर होना चाहिए, इसलिए वो डिस्कस किया। एक टर्म आती है माइनर, माइनर सिर्फ इस हिस्से का नाम है जिस पर गुड लगाया गया, इसमें ये माइनस वन, ये देखिए M for minor, MIJ, ये जो -1 की पावर i+j है ये छोड़ देना है, ये वाला छोड़ देना है, इसमें सिंबल नहीं आना, सिर्फ अगला डिटरमिनेंट आना है जो ये है। ये देखें यहां यही A11 था, इसके अगेंस्ट M11, ये सिंबल नहीं आया, A12 है, M12, सिर्फ ये वाले डिटरमिनेंट आ रहे हैं, सिंबल साथ अटैच नहीं हुए, सिंबल अटैच होके वो कोफैक्टर बन जाता है, सिंबल के बगैर उसको माइनर बोलते हैं। ये माइनर कोफैक्टर की लैंग्वेज इसलिए समझाई है कि क्वेश्चन ही MCQ वगैरह में पूछ लेते हैं कि इस नंबर का माइनर बता दें, इस नंबर का कोफैक्टर बता दें, कभी शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि फलां और फलां नंबरों के कोफैक्टर्स ही बता दें, तो उस वक्त बच्चे को कम से कम डिस्टर्बेंस ना हो, और ये कोफैक्टर निकाल के अगर इधर पुट करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस आप समझ चुके हैं, दोनों तरीकों से बाहर इनवर्स कैसे निकाला गया। ये अभी एडजॉइंट का मेथड डिस्कस हुआ है, एक मेथड स्टिल रहता है रोज और कॉलम ऑपरेशंस यूज करते हुए, ये इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वाले में आएगा, वो इससे भी ज्यादा आसान है लेकिन बच्चा उसको थोड़ा सा टफ समझता है। अभी इंशाल्लाह जब आप लेक्चर नेक्स्ट देखेंगे 10 वाला, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये मेथड सबसे आसान है, जल्दी कंट्रोल करता है चीज़ों को। ओवरऑल अब तक अगर किसी को किसी भी जगह कोई डिफ़िकल्टी है तो बच्चे हमसे रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको हर मैथमेटिक्स के स्टेप्स A1 तरीके से अंडरस्टैंडिंग में मिलेंगे। और जिन लोगों को वीडियो पसंद आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें आगे दोस्तों तक, ताकि ज़्यादा लोग बेनिफिट लें। सो थैंक यू वेरी मच।